जय हिंद मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जॉब खंड। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो। जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह हो रहा अपना स्वीपर का ट्रेड टेस्ट जोधपुर में, STC सेंटर जोधपुर में। तो साथियों मैंने लाइव प्रूफ जानकारी दी थी उस वीडियो के अंदर, लेकिन देखिए साथियों मैंने लाइव किया था लेकिन लाइव ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने शॉर्टकट में जानकारी दी थी। काफ़ी भाइयों को समझ में नहीं आई थी कि भाई आपके जो यहाँ STC सेंटर है जोधपुर में फिजिकल किस तरह हो रहा है और जो अपना ट्रेड टेस्ट है वो किस तरह हो रहा। तो साथियों मेरा भी ट्रेड टेस्ट था स्वीपर से संबंधित, तो मैंने स्वीपर का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया। और विशेष सूचना है कि आज संदीप भाई जो अलवर से हैं उसका भी आज फिजिकल कम्प्लीट हो गया और साथ में ट्रेड टेस्ट भी कम्प्लीट हो गया। जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक भी भाई ट्रेड टेस्ट में नहीं बाहर हो गया, तो जो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इस भाई पर विश्वास कीजिए। साथियों मैं आपको जो जानकारी होती है परफेक्ट जानकारी होती है वही जानकारी देता हूँ अपने चैनल पर। तो साथियों जो मैं इतनी ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा कि अपना जो ट्रेड टेस्ट है किस तरह हो रहा है जोधपुर में स्वीपर का ट्रेड टेस्ट। तो साथियों काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आए थे, कमेंट में बाद में लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अपना STC सेंटर जोधपुर में, अगर आपका भी STC सेंटर जोधपुर में स्वीपर का ट्रेड टेस्ट हैं और फिजिकल हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना साथियों किस तरह होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जो ज़बरदस्त की जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो साथियों मैं बता देता हूँ कि जोधपुर ग्राउंड के बारे में। तो जोधपुर ग्राउंड जो एसटीसी जोधपुर, अच्छा एक ग्राउंड है अपना BSF का, उसमें आपका भी फिजिकल है तो ये वीडियो जरूर देखे साथियों। बात करते हैं ग्राउंड की, तो 1500 मीटर के तीन राउंड है, कितने 1500 मीटर के तीन राउंड, यानी 45 मीटर हो जाता है और 500 मीटर पे फिनिशिंग पॉइंट है। 24 मिनट का पूरा समय दिया जा रहा है साथियों, 24 मिनट का समय पूरा दिया जा रहा है। अब प्रत्येक सर्कल के आप निकलोगे तो आपको टाइम भी वहाँ बता देंगे सर खड़े होने पे, और जैसे ही आप 500 मीटर भाग देते हैं तो वहाँ से एक मिनट से उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। तो ये ग्राउंड से रिलेटेड जानकारी कि 500 मीटर का फिनिशिंग पॉइंट है और 1500 मीटर के तीन राउंड, यानी 4500 प्लस 500 कुल मिला के हो जाते हैं अपने 5000, यानी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का जो गोल गोल चक्कर है, तो ये ग्राउंड से रिलेटेड बात करते थे कि काफ़ी भाई कमेंट करें कि भाई जोधपुर में अपना जो ग्राउंड है सड़क पर है या फिर मिट्टी का। तो साथियों 700-800 मीटर आप भागोगे तो वहाँ पर आएगी मिट्टी आएगी और बाकी 500 मीटर है अपना सड़क। कुल मिला के आधी जगह मिट्टी है और आधी जगह सड़क है, मिक्स में है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मैं नंगे पाव दौड़ूं या चूज पहन के, तो मेरे हिसाब से आप ऑफर डिफेंड करता, आपने जो आगे फिजिकल दिया है तो किस तरह फिजिकल दिया, चूज पहन के दिया या फिर नंगे पाव, तो वो ऑफर डिफेंड करता। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप चूज पहन कर भी दौड़े, क्योंकि इतनी रिस्क भी नहीं लगेगी, 24 मिनट का समय भी खूब है साथियों। और बात करते हैं डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो साथियों डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेना आपको सबसे पहले आधार कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट में सेंट्रल एवं राज्य दोनों का होना जरूरी है, सेंट्रल एवं स्टेट दोनों का होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो साथियों डॉक्यूमेंट 2019 के बाद के होने चाहिए, पहले के होने नहीं चाहिए। 2019 जैसे 2018 के लेके जाओगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको 5 साल, हाँ हो सकते हैं कि आपके पास नहीं है तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए, लेकिन आपकी फिजिकल डेट बहुत नज़दीक है तो आप आज ही अप्लाई कर दीजिए और फिजिकल सेंटर पर पहुँच जाइए, वहाँ फिजिकल दिख रहा है, आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट 5 दिन में अगर आपका बन जाता है तो आपको वहाँ पर पास कर दिया जाएगा। साथियों जाति प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, काफ़ी भाइयों का यही कमेंट आ रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भाई मेरे पास पंचायत का है, प्राइवेट स्कूल का है, होटल्स का है, किसी का भी है, आप लेकर जाइए साथियों, आपको कोई नहीं पूछेगा। देखो वहाँ के स्टाफ को सभी को बताइए, BSF स्टाफ सभी, किसी भी सेंटर का BSF स्टाफ सभी को बताइए कि जो फौज में आते हैं, जो अपनी देश के प्रति सेवा करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर युवा कोई होटल से नहीं आते, वो क्या सब ऐसे ही बना सर्टिफिकेट बना के लेके आते हैं, क्योंकि फौज में भर्ती होने का एक जुनून होता है साथियों को। साथियों ये थी डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी, और बात करते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट सबसे ज़्यादा अपने उस वीडियो में कमेंट आए वो आए ट्रेड टेस्ट के, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेड टेस्ट में कुछ नहीं भाई लोगों, ट्रेड टेस्ट में केवल आपको वहाँ पे जो किसी को ग्राउंड में भेज देते हैं और किसी को बैरक बने हुए उसमें सफाई करने के लिए भेज देते हैं, केवल बस इतना सा काम करवाते हैं, और किसी को भी जोधपुर में किसी को भी ट्रेड टेस्ट में बाहर नहीं कर रहे हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपका भी जोधपुर में फिजिकल है तो आप बिल्कुल घबराई मत चाहती हो, आपका ट्रेड टेस्ट में एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा। आज मेरे से लमसम 4-5 दिन बाद आज गया है संदीप भाई अलवर से, उनकी
अभी बात हुई इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया। संदीप भाई ने बता दिया कि एक को भी ट्रेड टेस्ट में बाहर नहीं किया, जो बंदे बाहर हो रहे हैं वो केवल फिजिकल में हो रहे हैं, इसमें रनिंग में और एक दो बंदा सेस्ट में राइट में, वही बस इतने हार्ड भी नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक ठाक लिए जा रहे हैं, जो हो रहा है वो मान लो कि रनिंग में हो रहे हैं बाहर, लेकिन ट्रेड टेस्ट में एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं हो रहा है। जोधपुर की बात बता रहा हूँ आपको साथियों, जोधपुर में अच्छे स्टाफ है यहाँ पर, ट्रेड टेस्ट में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं साथियों। ये थी ट्रेड्स मैन के समझ। अगर आपका भी कोई भी डाउट है कि आपको यार कैसा होगा, तो फिर आप अपने मन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप 5 केमिकल्स के नाम याद कर दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि साथियों किसी को भी जोधपुर में ट्रेड टेस्ट में बाहर नहीं कर रहे, यहाँ के स्टाफ बहुत ही अच्छे यार साथियों। मैं खुद वहाँ ट्रेड टेस्ट दे के आ गया हूँ, और आज संदीप भाई ने बताया कि वहाँ पर ग्राउंड में बस केवल वो होती ना ध्रुव कटवाने के लिए बोल रहे हैं, बस केवल घास कटवा रहे हैं और घास के अलावा कुछ नहीं करवाया जा रहा है साथियों। ये थी ट्रेड्समैन संबंधित जानकारी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपकी रिप्लाई देने के लिए हर समय हाजिर हूँ। बात करते हैं आज के जो कमेंट आए थे, जो पिछले वीडियो में कमेंट आए थे, कमेंट में एक भाई ने पूछा कि ग्राउंड कैसा है, तो मैंने बता दिया कि आपको 1500 मीटर के 3 राउंड है, 1545 प्लस 500 कुल मिलाकर हो जाते हैं 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर की ग्राउंड, 5 किलोमीटर का ग्राउंड है, 1500 मीटर के 3 और एक 500 का फिनिशिंग पॉइंट। और नंबर 2 का कमेंट था जोध में रनिंग रोड पर है या फिर ग्राउंड में, ये था श्याम बोरवेल का कमेंट। श्याम बोरवेल भाई, जोध में रनिंग आदि जगत रोड पे है और आदि जगत ग्राउंड में है। और एक था भाई जी शिविर में क्या क्या पूछा जा रहा था, मैंने बता दिया कि बस शिविर में है, जोधपुर में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। KD ब्लॉग्स का कमेंट था कि जोधपुर में क्या क्या करवाया जा रहा था साथियों, जोधपुर में किसी को भी शिविर ट्रेड टेस्ट में बाहर नहीं कर रहे हैं। एक भाई का कमेंट था आपके ट्रेड टेस्ट में कौन सा, आपका ट्रेड टेस्ट कौन सा था, दीपांशु राव का कमेंट था, आपका ट्रेड टेस्ट कौन सा था दीपांशु भाई, मेरा ट्रेड शिविर का था। और एक था शिपर ट्रेड में रिलेटेड बताओ साथी, मैंने बता दिया कि बस शिपर, अगर आपका शिपर का ट्रेड टेस्ट है, अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो मैं जोधपुर की बात बता रहा हूँ, आपको ट्रेड टेस्ट में बिल्कुल बाहर नहीं किया जाएगा साथी, ये आपके लिए गुड न्यूज है। और एक भाई ने बोला था कि सर जी शिपर का ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें, तो बस सिंपल तरीका है, अगर आपका जोधपुर नहीं है, अगर आपका दूसरी जगह है, तो आप घबराने की बिल्कुल जो अपने मन में भ्रांतियाँ हैं वो छोड़ दीजिए साथियों। 500 केमिकल्स के नाम याद कर दीजिए, और बाथरूम धोने या टॉयलेट धोने की कला है वो यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे इनके रिलेटेड, आप केवल 10 या 15 वीडियो देख लो, आपसे पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल तक हार्ड नहीं है स्विफ्ट का ट्रेड टेस्ट, और झाड़ू पकड़ने की कला सीख जाइए। अपना मैंने भी वीडियो बनाया था, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मैं अगला वीडियो बना डाल दूंगा अपने चैनल पर। और एक भाई का था कि ट्रेड टेस्ट के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो मैंने आज ही बना दिया साथियों, इतना हार्ड तो नहीं है जो सुपर ट्रेड टेस्ट की बात करता हूँ। जोधपुर में अगर आपका सेंटर तो आप होंगे पास, ये आपके भाई का दावा है। आज भी हमारे अपने सेल्स लीडर कैंडिडेट संदीप भाई अलवर गया है, फिजिकल में फिट होकर आ गया, ट्रेड टेस्ट में फिट होकर आ गया। अगर आप संदीप भाई खुद वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से रिटर्न की जमकर तैयारी करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और अपन बात करते हैं आगे इसके सिलेबस की, तो सिलेबस से रिलेटेड मैं भी जानकारी जल्दी अपने सेल पर दे दूँगा, और आप और हम सब मिलकर इस चैनल पर जो BSF ट्रेड्समैन संबंधित सिलेबस के भी वीडियो लाएंगे, और जल्दी अपनी BSF ट्रेड्समैन की क्लासें शुरू होने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका भाई लेके आ रहा है ज़बरदस्त की क्लासें, जो एक यहाँ पे अगर कोई ग्राउंड से रिलेटेड या ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए साथियों, में आपकी वो कमेंट लेने के लिए अगली वीडियो में आपका भी नाम लूँगा, और आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा अगले वीडियो के अंदर। तो ये थी साहब ट्रेडमैन स्वीपर से संबंधित जानकारी, फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करिए। ये थी साहब जबरदस्त की जानकारी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।